फिर से दोबारा मेरिट बनाना, जो कि मेरिट बनेगा तो उसमें धांधली होगा। यहाँ धरना करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उन्होंने साफ कहा था, कह रहे आप तो मेरिट में आए हुए कैंडिडेट हैं, आपकी बहाली पहले होनी चाहिए। सर गिरफ्तारी होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर से गिरफ्तार होंगे, तो यह सरकार की गलती है ना। सरकार हमको तेजस्वी यादव हमको बताए कि हाँ हम आप लोगों को दिसंबर में ज्वाइन करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पटना सचिवालय के बाहर हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसटीएटी के अभ्यर्थी हैं जो सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम एसटीएटी के अभ्यर्थी हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लेके सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और इनका साफ तौर पर मांग है, जो ये एसटीएटी के 2019 के जो मेरिट लिस्ट स्टूडेंट हैं इनका साफ मांग है कि हमें मेरिट लिस्ट दिया जाए, इसलिए वो धरने पर सचिवालय के बाहर बैठे हुए। इसलिए आप लोग सचिवालय के बाहर बैठ गए धरने पर? हम लोग इसलिए बैठे, सरकार हम लोग मेरिट के साथ छेड़छाड़ करना चाहते, हम लोग स्टेट 19 के अभ्यर्थी हैं, हम लोग मेरिट में आए हुए तो हम लोग का रैंक मिल गया था। अब सरकार ये कहना चाह रही है कि फिर से दोबारा मेरिट बनाना, जो कि मेरिट बनेगा तो उसमें धांधली होगा, इसी का हम लोग को शंका है। इसलिए आज हम लोग सचिवालय के सामने आए हैं प्रदर्शन करने की, सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी हम लोग मेरिट के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में है, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा आपको जिसको लेना है लेते रहिए, लेकिन मेरिट के बच्चे के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ धरना करना मना है, पुलिस प्रशासन भी आ गई है। देखिए धरना करना इस देश में हम लोकतंत्र में अधिकार दिया हुआ है, धरना प्रशासन करना कोई मना नहीं कर सकता है। यहाँ सचिवालय के बाहर मना है, पुलिस प्रशासन आ गई, हमने मना है, लेकिन हम लोग को यहाँ उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई हम लोग शांतिपूर्वक बैठ करके न कोई रोड बाधित है, न सरकार को कुछ बाधित कर रहे हैं, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन मारेगी तो आप लोग? पुलिस का डंडे से हम लोग डरने वाले नहीं है। क्या कहिएगा मैम आप? प्रशासन ऐसे ही नहीं मार देती है सर। लेकिन यहाँ धरना करना मना है, गर्दनी बाग में धरना पर बैठा हुआ? नहीं, गर्दनी बाग के धरना पे हम लोग देख चुके हैं, हम लोग का नतीजा कुछ नहीं हुआ। यहाँ धरना करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। बाग में सरकार परमिशन नहीं देती है, हम लोग यहाँ कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं करने आए, हम लोग बस शिक्षा विभाग को और शिक्षा मंत्री को और उनके सचिव को अपनी मांग को रखने आए हैं और अपनी मांग को बताना चाहते हैं कि हम वो कैंडिडेट हैं जो मेरिट में आए हुए छात्र हैं, और आप घोड़ा और गधा का रेस एक साथ करवाना चाहते हैं। हम आपने हमारी मेरिट में आने के बाद हमारी नियुक्ति सुनिश्चित कर दी थी, और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उन्होंने साफ कहा था, कह रहे आप तो मेरिट में आए हुए कैंडिडेट हैं, आपकी बहाली पहले होनी चाहिए। साहब यहाँ बहाली पहले होने की बात छोड़िए, हमारे मेरिट में आए हुए कैंडिडेट को वो फेल कैंडिडेट के साथ बराबर इक्वली करके और 60-40 का वो एकेडमिक मार्क्स लाना चाहते हैं, वही एकेडमिक मार्क्स जो एकेडमिक मार्क्स बिहार में चोरी छिपे और किस किस धड़क से आते थे। हमने वो क्वालिटी एग्जाम पास किया है और वो एग्जाम पास करके मेरिट में है। सरकार से बस ये मांग है और शिक्षा विभाग के सचिव मंत्री से ये मांग है कि हम मेरिट में आए हुए कैंडिडेट को नियुक्ति सुनिश्चित करें, 100% एसटीटी मार्क्स से बहाली करें। अगर आप 100% एसटीटी मार्क्स से बहाली नहीं करना चाहते हैं तो जो एसटीटी मेरिट में आए हुए कैंडिडेट हैं उनको 10 अंक बोनस में दिए जाए। आप लोग पिछली बार प्रदर्शन कर रहे थे तो गिरफ्तारी कर लिया गया था, आप लोग आज फिर सचिवालय के बाहर आए हुए हैं। सर गिरफ्तारी होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर से गिरफ्तार होंगे। लेकिन हम अपने डिमांड को क्यों कम करें, जो हमको मेरिट मिला है, जो सरकार के द्वारा हम लोगों को मेरिट का दिया गया है मार्कशीट, उसके साथ हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। ये हमारे कैरियर का सवाल है, हम इतना मेहनत करने के बाद मेरिट लिस्ट में आए हैं। सरकार अब अगर विज्ञापन को नहीं मान रही है तो ये सरकार की गलती है ना, हम क्यों पीछे हटे। हम तो अपना गिरफ्तारी देंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, इसके लिए चाहे हमको कोई भी कीमत अदा करना पड़े। लेकिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को आप लोगों का आश्वासन दिए थे ना? सर क्या आश्वासन दिए थे, कोई आश्वासन नहीं दिए थे। आश्वासन दे रहे हैं वो बताएंगे ना कि आखिर कब, वो हमको बताएं कि हाँ हम जनवरी में आप लोगों का सिलेक्शन लेंगे, हम दिसंबर में लेंगे, हम मार्च में लेंगे। आखिर में जब उनको भी पता है कि जो हम लोग का एडवर्टीजमेंट आया था 19 में आया था, उसके हिसाब से हम लोग दिए, उसके हिसाब से हम लोग का मेरिट बना, हम लोग का रैंक दिया। हर कोई जानता है कि किसी भी एग्जाम का फाइनल पोजीशन होता है मेरिट बनना। मेरिट में आने के बाद अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है तो यह सरकार की गलती है ना। सरकार हमको तेजस्वी यादव हमको बताएं कि हाँ हम आप लोगों को दिसंबर में ज्वाइन करवाएंगे, हम आप लोगों को मार्च में ज्वाइन करवाएंगे, हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लोग को कहता है अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है तो यह सरकार की गलती है ना। सरकार हमको तेजस्वी यादव हमको बताएं कि हाँ हम आप लोगों को दिसंबर में ज्वाइन करवाएंगे, हम आप लोगों को मार्च में ज्वाइन करवाएंगे, हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लोग को क्या शौक लगा हुआ है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आके यहाँ पटना में सचिवालय गेट पर प्रदर्शन करने का, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम लोग का अधिकार का हनन होगा तो हम लोग तो प्रदर्शन करेंगे ही, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। चलिए
तो आपने साफ तौर पर सुना तमाम एसटीएट के अभ्यर्थी का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी मेरिट लिस्ट है, हमारी नियुक्ति पत्र है, वो दे दें। सरकार सिर्फ आश्वासन देते हैं। इन लोगों ने पिछले बार तेजस्वी यादव से मिला था तो तेजस्वी यादव ने उनका साफ तौर पर कहा था कि आपको जल्द ही नियुक्ति दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम स्टेट के अभ्यर्थी हैं सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति पत्र को मांग को लेकर। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।